हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पुरानी फ़ोटो को नए फ़ोटो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसलिए आपको तीन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, पिक्सआर्ट, लाइट रूम और रेमिनी। पहले आपको रेमिनी ऐप को ओपन करना है, इनहेंस पे क्लिक करना है और अपनी फ़ोटो पुरानी फ़ोटो को चूज़ कर लेना है, जो भी हमारी पुरानी फ़ोटो है। ये मैंने फ़ोटो को चूज़ कर लिया और उसके बाद इसको टिक करके और इसकी जो भी लेंथ वो कितनी चाहिए ऐसे लिख के वो टिक मार्क करना है। अब आपको एक ऐड आएगा और उसे 7 से 9 मिनट तक उसे आपको पूरा देखना है, ताकि आपके बाद में ऐसा हो सके आपकी फ़ोटो एकदम अच्छी सी दिखने लगे। देखिए, इसके बाद ये जब तक पूरा हो जाता है, देख लीजिए पूरा हो रहा है, थोड़ी समय लगेगा इसके लिए। अब देखिए आपके पुरानी फ़ोटो को नई फ़ोटो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये पुरानी फ़ोटो है और अब देखिए आपकी फ़ोटो कैसे एकदम नई फ़ोटो बन गई है। आंखें, मुंह और नाक पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए इसे हमें आपको सेव करना है। सेव करने के लिए भी आपको 3 सेकंड मांगेगा। ये अब सेव हो गया हमारे गैलरी में। अब इसे बैकग्राउंड से निकाल देते हैं। अब आपको पिक्स आर्ट ओपन करना है। पिक्स आर्ट ओपन कीजिए, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, एडिट ए फोटो पे जाइए और अपना फ़ोटो चूज़ कर लीजिए। मैं अपना फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। देखिए एक बार लोड आ रहा है मेरा ये फ़ोटो, ये अभी एडिट किया था वो मेरा फ़ोटो है। अब इसको इसके साइज़ हमको एडजस्ट करनी है। देखिए मुझे पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की तरह ले रहा हूँ। ले लिया है अब मैंने। अब आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। देखिए इफेक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये इफेक्ट्स में मैंने क्लिक किया। यहाँ पर कलर के पास एक और भी एक कलर वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा बैकग्राउंड सराउंडिंग और पूरा ऐसा हो जाएगा। अब जो भी हमारे ऊपर के वो बाग है उसे हमें रिमूव करना है। एरेज पे क्लिक कीजिए और इसकी थोड़ी सी साइज़ को कम कर लीजिए और इसे इन्वर्ट कर दीजिए। और जहाँ भी हमारा शर्ट शर्ट है, शर्ट का ही करना है, तो शर्ट के ऊपर ऊपर हम कलर को इस प्रकार कर पूरे रफ कर देते हैं, पूरा लगा लेते हैं पूरे शर्ट को। जहाँ जहाँ शर्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर पूरे ऐसे करके, क्योंकि हमारा शर्ट का कलर ही हमें चेंज करना है, ताकि वो थोड़ा अच्छी तरह से दिखाई देने लगा, पूरा एकदम HD क्वालिटी में। ये पूरा कर लीजिए हैं। अब आपको इसे ओके करना है। उसके बाद देखिए इसकी थोड़ी सी और भी ब्राइटनेस वगैरह वगैरह क्लैरिटी पूरी आपको जिस तरह मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप वैसे ही करना है। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स इस यहाँ पर करके हम इसको लाइट रूप में ओपन करेंगे। देख लीजिए पूरा पूरा धीरे धीरे देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। इसको सेव करने मोड में जाएंगे और हम इस फ़ोटो को लाइट रूप में एक्सपोर्ट करना है। देख लीजिए मैं आपको ओपन करता हूँ और लाइट रूम ऐप को इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। वही 2-3 सेकंड टाइम लगेगा। ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया है, देख लीजिए ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम इसको लाइट रूम में ओपन करेंगे यहाँ पर ऑल फोटो से, और यहाँ पर हमारा फ़ोटो वो है। इस फोटो को अब हम एडिट करेंगे और भी अच्छी HD क्वालिटी में। अगर आपका फ़ोटो एडिट करना है तो लाइट रूम की एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। इसमें आपकी फ़ोटो एकदम अच्छी से HD क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए मैं यहाँ पर ब्राइटनेस और इसकी पूरी एकदम अच्छी तरह से कर रहा हूँ, आप भी स्क्रीन पर देखिए और इस तरह ही कीजिए। देख लीजिए पूरा कलर शार्पनेस पूरी यहाँ पर ही होगी। देखिए देखिए इसकी ब्राइटनेस, ये इसका हेयर कलर है ब्लैक, उसको अगर नीचे से 0 माइनस में ले जाएंगे तो इसका एकदम हेयर कलर एकदम अच्छी तरह से फ़ोटो का बन जाएगा। उसके बाद हमें मिक्सिंग कलर पे आना है, मिक्स पे क्लिक करना है और जो भी शेड का कलर है उसको सेलेक्ट करना है। देखिए ये हमने सेलेक्ट कर दिया, मुझे यहाँ पर मेरी ब्लू ब्लू स्काई ब्लू ही पसंद है, इसलिए मैं वही कलर रखूँगा। जो भी कलर है मैं उसी कलर को रखूँगा और इसे थोड़ा सा ल्यूमिनेंस और उसकी बढ़ाकर उस कलर को ही अच्छी से इफेक्ट दे दूंगा, नाइस कलर दे दूंगा। करने के बाद देख लीजिए
वो पुराना फ़ोटो था, नया फ़ोटो है, देख लीजिए कैसे बन गया हमारा एकदम HD क्वालिटी में फ़ोटो। इसे हमें डन कर देना है, देख लीजिए पूरे अपने करके, और उसके बाद डन देख लीजिए कितना एकदम HD क्वालिटी में आ गया फ़ोटो। डन करिए और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जो भी कलर है उसके पास दूसरा ऑप्शन जो भी है क्लैरिटी और वगैरह वगैरह, आपको पूरी इस तरह से मैं जो भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप भी वैसे कीजिए, ताकि आपकी फ़ोटो एकदम जो पुरानी फ़ोटो है वो एकदम नई फ़ोटो और HD क्वालिटी फ़ोटो बन जाएगी। मैं आपको इस मैं यही बता रहा हूँ कि एक पुरानी फ़ोटो को नए फ़ोटो में इस तरह कन्वर्ट करते हैं। देख लीजिए मैं पूरी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग और फुल एकदम कोई भी एडिटिंग वगैरह दूसरा कोई एडिटिंग वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, देख लीजिए एकदम लाइव प्रूफ है। इसे आपको सेव करना है। अगर मेरे वॉइस पे कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मुझे एक बार के लिए माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है। पिक्सआर्ट को आप फिर से वापस करेंगे और एडिट या फ़ोटो जाएंगे जो लाइट रूम में सेव किया है फ़ोटो उस पर, क्योंकि इस इनके बाल के ऊपर वो थोड़ा सा मार्क रह गया है, इसे हम लाइट इस पिक्सआर्ट में अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर देंगे। देखिए हेयर कलर लिया है, ब्लैक का लिया है, और इसे थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर वाला जो भी वो दाग है उसे हमें ठीक तरह से कवर करना है, इसलिए इसका पूरा थोड़ा बढ़ा के और उसको बालों बालों से वो हटा दिया है। देखिए किस तरह हमारी फ़ोटो बन गई है। अब इसे हमको सेव करनी है। देखिए सेव करके मैं आपको सीधा अपनी गैलरी में लेके जाऊंगा कि पुरानी फ़ोटो कैसी थी और नई फ़ोटो कैसी है। देख लीजिए एकदम लाइव प्रूफ है, कोई एडिटिंग दूसरा एडिटिंग वगैरह नहीं है, एकदम स्क्रीन पर दिख दीजिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर ही आपको दिखा रहा हूँ पूरा। देखिए मेरी ये गैलरी है, ये देखिए फ़ोटो, ये पुरानी फ़ोटो थी और ये अब हमने जो भी वो बनाई है वो फ़ोटो। देखिए पुरानी फ़ोटो कैसी थी और नई फ़ोटो कैसी है। देखिए ये पुरानी फ़ोटो है और ये नई फ़ोटो एकदम। ये मेरी एडिटिंग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।